तो दोस्तों आज का मुद्दा है रेडिएशन। रेडिएशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, एक तरह से कह सकते हैं कि ये खतरा है आज के यंगस्टर्स के लिए। जो समय चल रहा है मोबाइल फ़ोन्स का, एंड्रॉयड फ़ोन्स का, सभी यंगस्टर्स फ़ोन्स यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स, और उनमें घंटों तक लगे रहते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 4 घंटे गेम्स खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, चार्ज में लगाकर डायरेक्टली फ़ोन को यूज़ करते हैं, और इनसे उन्हें रेडिएशन का ख़तरा होता है। और इससे कोई सेफ्टी नहीं रखते हैं, कोई प्रिवेंट नहीं करते हैं उनसे, उन्हें इनके बारे में, इस रेडिएशन टॉपिक के बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है, शायद वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इनके दिमाग पर सिर चकराना, चक्कर आना, सर दर्द, ये सारी बीमारियाँ उन्हें हो सकती हैं। और तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं वी एस शिवा और आप देख रहे हैं वी एस व्लॉग्स। तो वेलकम इन माय चैनल। तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में, रेडिएशन। रेडिएशन इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है, मैं आपको बता दूं। सर में दर्द होना, चक्कर आना, झंझनाहट, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। WHO ने एक साल पहले ये रिपोर्ट दी थी कि अगर रेडिएशन का खतरा ऐसे ही फ़ोन्स को यूज़ करते रहें यंगस्टर्स आज के, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने ये कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें 4 या 5 सालों में कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, लेकिन माइंड में हमारे लगभग 90% के करीब वाटर होता है। अगर वो वाटर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो 1 से 2 साल के अंदर उन्हें कैंसर होने का खतरा बना जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी यंगस्टर के लिए जो फ़ोन का यूज़ करते हैं, रात रात भर यूज़ करना, आँखों की प्रॉब्लम, रात में अंधेरे में फ़ोन का यूज़ करना बहुत खतरा है, आँखों की प्रॉब्लम होती है, अंधा होने का खतरा होता है, तो सबसे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक किसी भी जानवर या इंसान के शरीर के भीतर एक तय वक्त के अंदर प्रवेश करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की माप को SAR संख्या कहते हैं। ये अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन्स के डिब्बों पर, या फिर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन के पैकेट पर या डिब्बे पर SAR संख्या दी गई होगी। और जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में, तो मुझे मालूम चला कि 2 वाट पर किलो के हिसाब से जो SAR नंबर होता है वो इंडिया में अलाउ है। इतने वाट पर किलो के फ़ोन्स जो है, SAR नंबर के फ़ोन्स इंडिया में अलाउ हैं। अगर इससे अधिक है, 2 वाट पर किलो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो दूसरी बात आती है कि रेडिएशन सबसे ज़्यादा फैलता किससे, फ़ोन से या फिर फ़ोन के टावर से। तो मैं आपको बता दूँ, फ़ोन टावर से सबसे ज़्यादा रेडिएशन फैलता है। रीज़न ये है कि फ़ोन टावर में रेडिएशन का ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहली बात कि एक खबर आई थी कि जूही चावला ने अपने घर के आसपास, मुंबई में अपने घर के आसपास 9 टावर्स को हटवा दिया, फ़ोन टावर्स को। रीज़न ये था कि उन्हें दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, सर में दर्द और शारीरिक प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो उन्हें पता चला कि ये रेडिएशन की वजह से है, और उन्होंने 9 टावर्स को हटवा दिया। तो प्लीज़ आप भी सजग हो जाइए। एक टावर 300 मीटर के एरिया में, एक मोबाइल टावर 300 मीटर के एरिया में रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलाता है। और इस बीच में अगर कोई घर होते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें बीमारियां हो सकती हैं, सर दर्द, सर चकराना, सर में झंझनाहट, आँखों की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ वहाँ घर मत लीजिए। अगर है तो कोशिश करिए कि वो टावर वहाँ से हटवाइए, क्योंकि यह आपके शरीर की बात है, आपके स्वास्थ्य की बात है, आपको बीमार कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा टावर से ही होता है। और दूसरी बात, मैंने देखा है कि कई लोग फ़ोन्स को चार्ज में डायरेक्ट कनेक्ट करके फ़ोन का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, चार्ज में कनेक्ट करके फ़ोन अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ख़तरनाक है आप लोगों के लिए। एक मोबाइल टावर जितना रेडिएशन वो फैलाता है, तो प्लीज़ इस काम को मत करिए। फ़ोन फट भी सकता है और आपको बहुत नुकसान कर सकता है, रेडिएशन भी फैलाता है। और दूसरी बात, जब 0.1 पर, मैंने देखा है कई लोग 2%, 3%, 5% पे फ़ोन का यूज़ करते हैं, ये समय चार्ज में लगाने के बराबर है। अगर आपका फ़ोन परसेंट पे 5% या उससे नीचे पे है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं,
तो ये उसके बराबर है जितना कि आप चार्ज में लगा के फोन को यूज करते हैं, जितना वो रेडिएशन निकालता है उसके बराबर ही है। तो प्लीज इसका यूज मत करिए, और फोन पे तो बात बिल्कुल मत करिए। फोन पे बात 5% चार्ज पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आपका फोन कम चार्ज हो या फिर खत्म होने वाला हो तो फोन पे बात मत करिए, क्योंकि आप लोग ऐसे बात करते हैं तो दिमाग पे असर पड़ता है, रेडिएशन सबसे ज्यादा होता है और आपको आपके माइंड को डैमेज कर सकता है। प्लीज ईयरफोन का यूज करें या फिर ब्लूटूथ का यूज करें, आपके लिए बेहतर होगा। रात में सोते वक्त फोन को पास न रखें, 1 फीट या 2 फीट से दूर ही रखें, क्योंकि ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान फैला सकता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जितने मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान दें, उन्हें समझें, और मैं जो कह रहा हूँ उसे प्लीज फॉलो करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नीचे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और वो घंटे वाला बटन ज़रूर दबाइए। तो आप देख रहे हैं बेस ब्लॉग्स, चलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और उस घंटे वाले बटन को भी दबाइए, क्योंकि अगर वो आप नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे न्यू वीडियोस के बारे में नहीं पता चलेगा, और आप उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे जो मैं ज्ञान आप लोगों को देता हूँ। तो उस ज्ञान को पाने के लिए प्लीज़ उस बटन को दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस देखते रहिए मेरे चैनल्स को। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।